हेलो दोस्तों, मैं स्नेह खुशी के पल स्नेह के संग मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे यहाँ हलछठ की पूजा है और मैं पूजा करने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको भी अपने साथ पूजा करवाऊँगी, आप भी मेरे साथ पूजा करिएगा। ये यूपी का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसको लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिसके बेटा होता है वो इसकी पूजा करता है। लेकिन मेरे तो बेटी है, लेकिन मैं फिर भी हलछठ की पूजा करती हूँ, क्योंकि मुझे बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता है, फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक बेटी भी 100 बेटों से कम नहीं है। हाँ, मैं तो कहती हूँ 1000 बेटों से कम नहीं है, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी जो है वो सौभाग्य से होती है। जब 100 भाग एक होते हैं तब जाकर उस घर में बेटी का जन्म होता है। इसलिए मैं इस पूजा को बहुत ही अच्छे से और विधि विधान के साथ मनाती हूँ, इसलिए आप भी हमारे साथ आइए, हम अपने पूजा घर में चलते हैं और आपको हलछठ की पूजा दिखाते हैं। आइए आप। मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है, बस अब स्टार्ट करूँगी। जब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए, मैंने पूजा की सारी तैयारी की हुई है। यहाँ इसमें पूजा में जारी छुली लगती है और मखाने हैं, फल और चने की मिक्स, जो उसको हमारे इधर यूपी में बहुरी बोलते हैं, वो लगती है। धूप दीप नवेद आरती और चुकड़ियाँ होती हैं, जो दिलारी मतलब दिलारी की तरह मिट्टी की चुकड़ियाँ बनी होती हैं, छोटी छोटी सी मटकी की तरह, वो आज लगती हैं। वो इस पॉलीथीन में है, मैं इनको अभी कलर करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें है वो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है ना, ये मिट्टी की बनी हुई है और इसी को कलर कर देंगे। अभी हमने चावल से आयपन बनाते हैं, उसी में इसको कलर करेंगे और फिर इसमें हम चने की और मिक्स जो बहुरी है, मखाने वगैरह है, इसी में भर के फिर मैं हरछठ मैया को हम लोग चढ़ाते हैं। ये इस तरह से हमारे यहाँ इसकी प्रथा है और यही पूजन में लगता है। बाकी और भी आप कुछ भी कर सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी लगा सकते हैं। मैंने रखा हुआ है, आप देखिए, इसमें मैंने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, ये देखिए चूड़ियाँ भी हैं, ये देखिए आप, कंगन है, चूड़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, ये बौरी रखी हुई है, फूल है, सब सारा सामान है। और मैं जब पूजा करूँगी तो आप देखिए मेरे साथ। देखिए आप मेरे साथ, अभी मैं आपको आगे पूरा विधि विधान से पूजन करके दिखाऊंगी। मैं इसको, ये मैंने जो ऐपन बनाया हुआ है इसमें मैं इसको कलर करूंगी, इस तरह से कलर करके, ये देखिए इस तरह से मैं इसको कलर करके रखती जाऊंगी। इसके बाद फिर मैं इसमें चने के, ये देखिए इस तरह से इसको कलर करना है और फिर इसमें ये डालना, चने की बौरी डालते हैं ऐसे, है ना, इसको भर के रखते हैं इधर। पहले तो मैं इसका देवी जी का पूजन करूँगी, हरछठ मैया का। पहले सबसे पहले मैं इसका हरछठ मैया का पूजन करूँगी यहाँ पर। फिर मैं सिंदूर लगाऊंगी, देखिए पाटा रखते हैं यहाँ पर, पाटा रख के फिर उस पर पूजा करते हैं। घी से हरछठ माता का चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद सिंदूर लगाते हैं मैया को, कलश पूजन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर कलश भी बनाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कलश भी रखा हुआ है। और हमारे यहाँ गौर की बहुत ज़्यादा महत्व मानते हैं इसका, क्योंकि इससे सुहागिल स्त्री सुहाग लेती है, इसलिए ये मैंने गौर भी रखा हुआ है।
ये देखिए मैं कलश की का पूजन करती हूँ और गौर में सिंदूर चढ़ा दिया। अब मैं इसमें जो चने डाले हुए हैं ये मैं माता रानी को अर्पण करती हूँ। मखाने मेवा भी भरते हैं इस तरह से, ये भी मैं माता रानी को अर्पण करूँगी। मैंने माता रानी को अर्पण किया है। इसमें एक हाथ से गांठ लगाते हैं, बच्चा जितने साल का हो जाता है उतनी गांठ लगाते हैं। देखिए मैंने लगा दिया एक गांठ, देखिए इस तरह से करके आपको इसमें गांठ लगानी होती है एक हाथ से। उसके बाद इस पत्ते में करके ये हर छठ मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति शांति प्रदान करना, माता रानी सबके दुख दर्द मिटाना मैया। मेरी पूजा संपन्न हो गई है और अब हम आपको एक भजन सुनाएंगे, भगवान जी को एक भजन सुनाएंगे। Get it.
की।